जय हिंद। आज हम उत्तर प्रदेश के शासनिक और प्रशासनिक संरचना को देखेंगे। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले NCR, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आया है, जिसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। NCR रीजन क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये सब पूरा आपको मिल जाएगा उसमें। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे NCR बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें जो सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो टोटल 8 हैं। इन 8 ज़िलों में नंबर 1 मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली, इतने ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं। एंड नेक्स्ट, NCR में शामिल करने हैं तो कौन कौन से ज़िले भी प्रस्तावित हैं, उन ज़िलों के नाम। तो टोटल 4 ज़िले हैं, वो सबसे पहले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। एंड नेक्स्ट, अब प्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में NRI विभाग का गठन किया गया है, और उसका गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया। उत्तर प्रदेश NRI दिवस कब मनाया जाता है, वो जनवरी में हर वर्ष मनाते हैं। और प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले कितने ज़िले हैं, तो वो 7 ज़िले हैं। 7 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम चलता है। तो वो 7 ज़िलों में उनका नाम है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। प्रदेश में मतदाताओं की टोटल कितनी संख्या है, वो है 15,02,84,005। ये जो आंकड़ा बताया गया है वो 2022, जनवरी 2022 के अनुसार है। अगला है राज्य विधानमंडल। ये राज्य विधानमंडल ये द्विसदनात्मक है, इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश में दो हाउसेज हैं, एक विधानसभा और एक विधानमंडल। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगला है राज्य विधानसभा का सबसे पहले गठन, वो जुलाई 1937 में किया गया था, और 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या वो टोटल 431 थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक, जैसे देखिए क्योंकि 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था, इसलिए उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी, लेकिन वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या वो 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं, इन्हें इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली लोगों के द्वारा, और एक ऐसा है जो मनोनीत होता है, एंग्लो इंडियन होता है। और फिर आगे वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत जो एंग्लो इंडियन है वो है डॉक्टर डैनियल जे गॉर्डिन। और अगला पॉइंट है वो है पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो अगर हम देखेंगे तो पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 व बुंदेलखंड में 19 विधानसभा की सीटें हैं, और 15वीं, 16वीं, 17वीं व 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं जो चुनी गई थी वो 15वीं में 23 महिलाएं चुनी गई थी, 16वीं विधानसभा में 35 महिलाएं चुनी गई थी, 17वीं में 42 महिलाएं चुनी गई थी, और 18वीं विधानसभा के लिए 47 महिलाएं चुनी गई थी। इसका मतलब 18वीं विधानसभा में अब तक की सबसे ज़्यादा महिलाओं को इलेक्ट किया गया है। फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन जो रहा है वो 224 सपा की थी, 80 सीटें बसपा की थी, और 47 सीटें भाजपा की, 28 सीटें कांग्रेस की, 9 सीटें रालोद की व 15 अन्य पार्टियों की थी। जो सबसे ज़्यादा सीट मिली थी वो सपा को मिली थी 2012 के अनुसार। और फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में किन पार्टियों का कितना प्रदर्शन रहा, तो 312 भाजपा का रहा जो सबसे ज़्यादा है, और 9 अपने दल का, अपना दल, एंड जो 4 है वो सुहेल देव भारत समाज पार्टी का, 47 सपा को मिला था, और 7 कांग्रेस को, और 19 बसपा व अन्य पार्टियों को मिला था। और फिर फरवरी मार्च में जो 2022 में हुआ 18वीं विधानसभा का चुनाव,
उसमें 255 भाजपा को मिला, जो पिछली बार पाए थे 312, अब इस बार 255। और ये 12 अपना दल एस, 6 सीटें निषाद पार्टी को मिला, 111 सपा को मिला। ये दूसरी सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट पाने वाली पार्टी थी 2022 में। और 8 सीटें रालोद को मिली, 6 सीटें सुभाषपा को मिली, 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट बसपा को मिली, जबकि 2 अन्य पार्टियों को मिली। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें टोटल 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं वो है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट ये तीनों ऐसे ज़िले हैं जहाँ सबसे कम विधानसभा सीट वाले ज़िले हैं, ये 2-2 सीटें यहाँ पर हैं। और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या वो 86 है, 84 SC की है और 2 ST की है। ये आंकड़ा जो बताया गया है वो 2017 के अनुसार बताया गया। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक ही बैठक हुई है, वो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर जो बैठक हुई वो 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। और विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। विधान परिषद का जो गठन हुआ वो 1937 में हुआ और 1937 से लगातार चला आ रहा है। उत्तराखंड निर्माण के पहले, उत्तराखंड जो स्टेट है उसके बनने से पहले तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 थी और वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 100, मतलब विधान परिषद में टोटल 100 सीट है उत्तर प्रदेश में। और प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, वो 80 सीटें हैं लोकसभा की। प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या वो SC के लिए 17 व ST के लिए जो आरक्षित लोकसभा की सीट है वो 0 है, मतलब कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वो गाजियाबाद है और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र वह है साहिबाबाद, जो गाजियाबाद में है। और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन वो लगा था, जो वो 1968 से लगा था और इसके बाद फिर इधर 1969 तक। और अब तक कुल राष्ट्रपति शासन वो 10 बार लग चुका है, बाई मिस्टेक, ये आप इसको फिर से देख लेंगे। अब तक कुल राष्ट्रपति जो शासन जो लगा है वो 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य में जो सरकारें होती हैं वो अगर उनका आपसी मतभेद चल रहा है या उनका प्रेजेंटेशन, उनकी सीटें सुरक्षित नहीं है तो लगाया जाता है। तो ये है राष्ट्रपति का शासन तब चलता है, तो वो 10 बार लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो 2002 से 2002 तक लगा है, मतलब 8 तारीख महीने 3 से लेकर 3 तारीख महीने 5 उसी में। और जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या वो 915 थी, 915। एंड जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले ज़िले वह हैं बदायूं, जिसमें 23 है, और श्रावस्ती, जिसमें 2, मतलब सबसे कम वैधानिक नगर वाले जिले बदायूं है और श्रावस्ती। राज्य में योजनाबद्ध नगर वो 3 हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी। यहाँ विकास प्राधिकरण कितने हैं, वो 28, कैंट बोर्ड वो 13, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वो 5 है, आर्थिक क्षेत्र 4 है, और संभाग जिसे मंडल बोलते हैं, मंडलों की संख्या 18 है। और 18वां जो बना हुआ है मंडल वो अलीगढ़ बना हुआ, जिसे 2008 में बनाया गया। और सबसे बड़ा जो मंडल है वो कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, जिसमें 6-6 ज़िले आते हैं। इन मंडलों का भी मैंने, मंडलों पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो है, वो आप अलग से देख सकते हैं। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप इसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं, सबसे छोटा मंडल जो है वो है मिर्ज़ापुर
आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, इन मंडलों में तीन तीन ज़िले आते हैं। ज़िलों की संख्या वो है तो टोटल 75। ज़िलों के नामों को और उनके मुख्यालय क्या क्या हैं इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जा करके मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इनका पूरा बनाया हुआ है, ज़िलों का नाम, उनके मुख्यालय पूरा। तहसीलों की संख्या कितनी है, तहसीलों की संख्या टोटल 351 है 2021 के अनुसार। नगर निकायों वाले कुल नगर वो टोटल 763 हैं 2022 के अनुसार। और नगर निकाय में नगर निगम जो है वो टोटल नगर निगम 17 हैं 2022 के अनुसार। नगर पालिका वाले परिषद जो हैं वो कितने हैं, 200 2022 के अनुसार। नगर पंचायतें 546 हैं 2022 के अनुसार। जिला पंचायतें वो 75 हैं 2021 के अनुसार। ब्लॉकों की संख्या 826 है 2021 के अनुसार। क्षेत्र पंचायतें वो 826 हैं 2021 के अनुसार। न्याय पंचायतें 8135 टोटल हैं, वो भी 2020 के अनुसार ये आंकड़ा है। और ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं वो टोटल 58189 हैं 2022 के अनुसार। और टोटल आबाद ग्राम कितने हैं, वो 97814 2020 के अनुसार। और टोटल कुल ग्राम कितने हैं, वो है 106774 2020 के अनुसार। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया गया है 33%। अब आगे देखेंगे न्यायालय। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ है और ये 1986 में बना। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट प्रयागराज में है और इसका एक खंडपीठ जो बना है ब्रांच वो है लखनऊ में। और हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, वो 1866 को। और हाई कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या वो 160। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या वो 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स वो 6 हैं, जिसमें से 4 लखनऊ में हैं और 2 गाजियाबाद में हैं। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से की गई, फैमिली कोर्ट्स। और प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं जो प्रयागराज में, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। प्रदेश में टोटल कॉमर्शियल कोर्ट जो गठित हुए हैं वो 13 जिलों में गठित हुए हैं। प्रदेश में श्रम न्यायालय वो 20 हैं। अब आके देखेंगे हम कारागार जो होते हैं, तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं वो 73 हैं 73। और प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या वो है 61। और प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार है वो 3, एक प्रयागराज में, श्रावस्ती में और संत कबीर नगर। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या वो 2 है, महोबा व देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8 हैं। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेवल के जो प्रिजन है, जेल हैं, वो 8 हैं, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ व इटावा में। प्रदेश में आदर्श कारागार 1 है, वो लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन है 1, वो लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है 1, बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में है, 1940 में बनाया गया था। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है बरेली में, 2020 में बना है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा जो 1844 में बनाया गया था। नियुक्तियों को देखेंगे तब और अब, मतलब तब का मीन्स पहले कौन था और अब कौन है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो सुचेता कृपलानी हैं। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं वो 2, एक सुचेता कृपलानी और दूसरी हैं सुश्री मायावती जी। वर्तमान मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें नंबर पर हैं।
लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर बने रहने वाले सीएम वो योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं, जो 4 बार बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले वो चौधरी चरण सिंह हैं व विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री भी। राज्य के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व बीएल जोशी 2 बार रह चुकी हैं। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन मतफ भाई पटेल, इनका फुल नाम है आनंदीबेन पटेल से बोलते हैं, ये 29 जुलाई 2019 से अब तक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति वो श्री चंद्रभाल बने हैं। विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी, ये 3-3 बार बन चुके हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, 29 मार्च 2022 से। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। एंड प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन हैं, 1866 से 1871। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर, ये 13 फरवरी 2023 से अब तक है। और प्रथम लोकायुक्त ये विश्वंभर दयाल हैं, जो 1977 से लेकर 1982 तक थे। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त वो श्री संजय मिश्र जी हैं, 2016 से।